वृक्ष राज्य है। फलतः इसे अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। यह त्योहारों की भूमि है। कई धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं और इसी पर्व के कारण हमारी जो संस्कृति है वह मिली जुली संस्कृति है। हम लोग आपस में मिलजुल कर, चाहे वे हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोग मिल करके हम लोग एक साथ अपने संस्कृति को एकजुट बना करके चल रहे हैं। सीतामढ़ी जिला में निवास करने वाले समस्त नागरिकों का हेलेंस परिवार अभिनंदन कर रहा है कि लोग इस राष्ट्रीय पर्व को, इस पावन पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनावें, साथ ही साथ प्रेम, भाईचारे और सौहार्द की भावना आपस में कायम करके चले। हम लोग जो यह इस पर्व को मनाते हैं यह बिल्कुल शांति स्वच्छता का प्रतीक है। इस छठ पर्व में किसी प्रकार का, किसी मंत्र का कोई आवाहन नहीं किया जाता है, किसी भी देवी देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता है, बल्कि सूर्य के जो हमारे प्रत्यक्ष देव हैं और इस कलयुग के संपोषक हैं, संपूर्ण चेतना को में व्याप्त है और उन्हीं की ऊर्जा प्राप्त करके हम सारे लोग संपोषित हो रहे हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सारे लोग इसी सूर्य की आराधना हम लोग इस दिन करते हैं और समस्त अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो यह बिल्कुल स्वच्छता और शांति का प्रतीक पर्व है। अतः हम लोग बड़े ही प्यार से, गले से गले मिल करके इस पर्व को मनाएं और एक दूसरे को बधाई। धन्यवाद। तो इसके लिए अब पूरा क्रम चलेगा जो मेरा परिचय जी, अपना परिचय किशोर कुमार जी, बाजार समिति जी, और रुद्राभिषेक हर शनिवार के दिन बाबा हलेश्वर नाथ मनोकामना लिंग के हम लोग कर रहे हैं जी। Yeah.